जो हो सकता है किताब पढ़ी नहीं नबी पढ़ा है, नबी किताब लेके आया है। इंशाल्लाह कभी अर्ज करूंगा मैं, अगर हमारे पैगंबर ना होते तो खुदा कसम हम कुरान को समझ ना सकते। और बात को आगे बढ़ाकर मैं पहुंचा रहा हूं, इसलिए मैंने सारी गुफ्तगू को बुनियाद बनाया ये बात पहुंचाने के लिए कि हम उसी का एहतराम करते हैं जिसका अल्लाह के नबी ने एहतराम किया। हम हर उस इंसान से प्यार करते हैं जिससे अल्लाह के नबी प्यार करते हैं, और हर उस इंसान से नफरत करते हैं जिससे अल्लाह का नबी नफरत करता है। अब यहां पर एक बड़ा सादा से अंदाज में जुमला देना चाह रहा हूं, जरा मकामे नबुव्वत को समझने की कोशिश करें। पैगंबर जब मक्के से मदीने आए, तवज्जो है आपकी, पैगंबर जब मक्के से मदीने आए हर पैगंबर एक ऊंटनी पर बैठे हुए थे, याद है ना आपको। मदीने का हर फर्द ये चाह रहा था कि अल्लाह के नबी हमारे घर में आए। भाई जो गौर से सुन रहे हैं अपने अंदाज में आपको बड़ा खूबसूरत जुमला दे रहा हूं, हर बंदा ही चाह रहा था यार रसूल हमारे घर हमारे घर हमारे घर। अल्लाह के नबी ने जब बहुत लोगों का इसरार पड़ गया कि हमारे घर, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आज मैंने रहने या ना रहने का इख्तियार अपनी ऊंटनी को दे दिया है। भाई जी ने समझा दिया, तारिक साहब सब वाकिफ हैं, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमाए, आज इख्तियार मेरे बैठने ना बैठने का, रुकने ना रुकने का, रहने ना रहने का ऊंटनी के पास है। जहां जाकर ऊंटनी ठहर जाएगी बस वहीं हमारा क्याम होगा। अब लोगों ने पैगंबर को छोड़कर ऊंटनी की मिन्नतें करना शुरू कर दी। ये तो जो है अब लोगों ने पैगंबर को छोड़कर ऊंटनी की मिन्नतें, कोई घास आके डाल रहा है, कोई टांगों को बोसा दे रहा है, कोई जिस्म को बोसा दे रहा है, कोई गर्दन को बोसा दे रहा है। तो मैं चाह रहा हूं, हर आदमी ये चाहता है कि पैगंबर ने इसको इख्तियार दे दिया है। काश मैं जुमला आपको समझा सकूं, हर बंदा ये समझ रहा था कि आज रहने या ना रहने, ठहरने ना ठहरने, पैगंबर का इख्तियार इस ऊंटनी के पास है। और फिर आप जानते हैं कि ऊंटनी कहां रुकी जाकर, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने जाकर रुकी। अब सब लोग खामोश हो गए, जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। किसी ने एतराज नहीं किया कि रसूल हमारे घर में क्यों नहीं आए। ऊंटनी रुकी, अल्लाह के नबी ने अपना उस्मान अबू अय्यूब अंसारी के घर में शिफ्ट करवा दिया, वहां पर भिजवा दिया, और फिर काफी देर तक वहां क़याम किया। जुमला में ये देने जा रहा हूं कि मुसलमान ने आज तक पैगंबर को समझने की कोशिश नहीं की। वो ऊंटनी लायक एहतराम है, बल्कि लायक इताअत और इत्तबा है कि जिसे पैगंबर इख्तियार दे दे उसकी बात मानना वाजिब हो जाता है, उसकी हरकत पर अमल ईमान लाना हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। वो इंसान वो इमाम काबिल इताअत इत्तबा क्यों नहीं जिसका हाथ बुलंद करके अल्लाह के नबी ने गदीर के मैदान में फरमाया था, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो इंसान ज्यादा लायक एहतराम है, वो इंसान ज्यादा लायक एहतराम है कि जिन्हें अल्लाह के नबी ने अपने कंधों पर बिठा बिठा कर मदीने की गलियों की सैर करवाई है। अब यहां पर मैं एक और जुमला करना चाह रहा हूं, जो रसूल थे वो ले लो, जिससे रसूल मना करो रुक जाओ। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये किसने कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना। हम हसन हुसैन को जन्नत के जवानों का सरदार इसलिए मानते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा। अच्छा एक बात सुनते करूं मैं आपके सामने, एक जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, एक मीटिंग थी डीसीओ के सामने, हम आ गए और कुछ लोग बैठे हुए थे। एक बंदे ने सवाल कर दिया कि पाकिस्तान में अमन क्यों कायम नहीं होता, तो मैंने कहा इसलिए अमन कायम नहीं हो रहा कि यजीद खबीस ने अमन को खराब कर दिया है, उसकी वजह से अमन खराब हुआ है। अब उसने एक बंदा उठा और बड़ा वो लाल पीला हो गया, उसने कहा मौलाना आपने बहुत बड़ी जसारत की है। मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा कि आपने यजीद को गाली दी है, आप नहीं जानते वो हमारा इमाम है। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मैं सुना करता था, किताबों पढ़ा करता था, कुछ लोग यजीद को इमाम मानते हैं, लेकिन आज तक मुझे नजर को नहीं आया।
पहला बंदा मैं देख रहा हूँ जो यजीद को अपना इमाम मानता है और अलल ऐलान कह रहा है। कहता है बहरहाल अगर आपको मालूम हो ही गया है तो आप मुझसे माफी मांगे, आपने बहुत बड़ी जसारत की है। अब मैंने देखा कि अगर मैं जहां पर बहस शुरू कर दूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, इसलिए कि मेरे मौला का फरमान है जाहिल से कभी बहस ना करो। जाहिल से बहस ना करो। मेरे मौला फरमाते हैं कि हमेशा हिकमत अमली से काम लो। मैंने हिकमत अहसन अहसन अंदाज से आप मुजादला करो। मैंने कहा ठीक है, मैं एक शर्त पर आपसे माफी मांग रहा हूँ, तब कुछ आ रहा हूँ। कहा ये शर्त क्या है? मैंने कहा शर्त यह है कि आप हाथ उठाओ, और लोग भी बैठे थे वहां पर, उन्होंने भी हाथ उठा लिया। मैंने कहा मैं भी हाथ उठाता हूँ, एक दुआ करूंगा, सिर्फ एक दुआ, अगर तुम मेरी दुआ पर आमीन कह गए तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। उसने कहा कौन सी दुआ आप मांगे? मैं आमीन कहता हूँ। मैंने कहा दुआ मेरी यह है कि मरना तुमने भी है, मरना मैं भी है, सबने और तुझे वहां ले जाए जहां तेरे इमाम को जाना है। मैंने कहा आमीन कह दो। मैंने आमीन कहा, बाकी जो बरेली हजरात थे उन्होंने भी आमीन कहा। नहीं कहा तो उसने नहीं कहा जो यजीद को अपना इमाम मानता था। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा आमीन क्यों नहीं कहते? उसने कहा आमीन इसलिए नहीं कहता कि मुझे यकीन नहीं है उसने जन्नत में जाना भी है या नहीं जाना। तो मैंने कहा तुम कैसे मामूम हो, तुम्हें इतना ही यकीन नहीं कि मेरा इमाम जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? जिसका इमाम जन्नत में ना जा सके या उसको शक हो उसके मानने वाले को जन्नती है या नहीं है, वो अपने मामूम को कैसे जन्नत में जा सकता है? फिर मैंने अल्लाह की कसम उठा के ऐलान किया, तमाम आसमानी किताबों की कसम उठा के ऐलान किया कि जिन्हें हमने इमाम माना है ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में पैगंबर इकराम इस्लाम ने फरमाया था इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है। बस आखिर जो मैं और आपकी दावत माफ कर जो मेरे टाइम दिया गया 10 मिनट और बाकी है आज की इस मजलिस के वाले से, बस यही पैगाम आपको देना चाह रहा हूं, हर उस हस्ती का एहतराम करो जिसका एहतराम करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। सहाबियों का कभी बुरा ना कहो, नाराज तो नहीं हो गया? और हमारे ऊपर इल्जाम है कि हम सहाबियों को बुरा कहते हैं। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मेरे भाई जानते हैं मैं कौम में पढ़ा हूं, इब्ला ज़मीर साहब भी जानते हैं मैं कौम में पढ़ा हूं, बड़े बड़े उलमा भी जानते हैं, हम सहाबियों को बुरा नहीं कहते, लेकिन हमारे यहां हर चीज का एक मैार है। ना हम हर किसी को इमाम मानते हैं, हम इमाम भी उसे मानते हैं जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया है। हमारा जो तसव्वुर तौहीद है वो भी और है, हमारा तसव्वुर रिसालत भी और है, हमारा तसव्वुर इमामत भी और है, और हमारा मयारे एहतरामे सहाबियत भी और है। तवज्जो चाह रहा हूं, कोई बंदा ये बात जहन में लाए, मैं बड़ी यकीन के साथ बोतल अर्ज कर रहा हूं, खुदा की कसम उठा के ऐलान कर रहा हूं, हम नबी के सहाबियों का एहतराम करते हैं, करना चाहिए, करते रहना चाहिए। नबी के सहाबी तो दूर की बात है, हम तो नबी के नवासे के सहाबियों का एहतराम करते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, लेकिन हमारे है कि मेरिट है, मेयार है, एक जुमले में सादा जुमले मेयार दे रहा हूं, हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते, किसी बुरे को सहाबी नहीं कहते। किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते। अल्लाह को सलामत रखे, हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते और किसी बुरे को सहाबी रसूल मानने के लिए ना कल तैयार थे ना आज तैयार है। हमारी जाने कुर्बान उन तमाम सहाबे कराम पर कि जिन्होंने नबी के कहने पर अली को मौला माना। जो चाह रहा हूं, अब इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। हमारी जाने कुर्बान उन तमाम सहाबे कराम पर कि जिन्होंने नबी के कहने पर एहतराम सैयदा किया।
हमारी जाने कुर्बान उन तमाम सहाबे किराम पर के जिन्होंने नवासे रसूल का एहतराम किया। तवज्जो चाहूं, नवासे रसूल की बड़ी खिदमत है, बड़ा पैगाम है। बहुत आज जो आप माशाल्लाह बाजारों में बैठे हुए या हुसैन कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अजाने दे रहे हैं, बस आखिरी जुमला और उसके बाद अपने मुसाहिब दे रहा हूं, खुदा कसम मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर नवासे रसूल का नवासा हुसैन करबला में अपनी जान कुर्बान न करता, आज किसी को ना अजानों का पता होता ना नमाजों का पता होता। इस्लाम की तारीख खत्म हो गई थी करबला पे आकर। आगे जितना इस्लाम चला है वो हुसैन की वजह से चला है। हुसैन ने इस्लाम को बचाया है, हुसैन ने अकदार इंसानियत को बचाया है। करबला की जंग इकतदार की जंग नहीं थी, करबला की जंग अकदार इंसानी की बका की जंग थी। यजीद इंसानियत को मिटाना चाहता था, आदमियत को, कुरान को, रसूल को, रिसालत को मिटाना चाह रहा था। हुसैन ने सबको बचाया, इंसानियत को बचाया, आदमियत को बचाया। तो फिर मुझे जो दो जुमले कहने की इजाजत दें, तारफ कर रहा मौला हुसैन का, जब अकदार इंसानियत को बचाया है तो फिर हुसैन के तारफ में कह सकते हैं ना कि हुसैन इंसानियत की शान है, हुसैन आदमियत की आनबान है, हुसैन कुरान नातिक है, हुसैन तमाम कमालात में फायक है, हुसैन दीन है, हुसैन ईमान है, हुसैन अजमत है, हुसैन जलालत है, हुसैन इस्तकामत है, हुसैन सबर का कुहे गरा है, हुसैन सुकून का बहरे बेगरा है, हुसैन रूहानियत की जान है, हुसैन इमामत की शान है। इस्लाम बचा हुसैन की वजह से। नहीं पहचाना तो मुसलमान ने नहीं पहचाना, पहचानने पे आ गए तो ईसाइयों ने पहचाना। अल्लाह का गिला कबूल फरमाए। रोजे आशूर आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। अल्लामा इकबाल की एक सीरत मेरे सामने आ गई। अल्लामा इकबाल एक दफा जिंदगी में रोजे आशूर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, लोग कब्रों में मट्टियां डाल रहे थे। उन मट्टियां डालने वालों ने कहा, अल्लामा इकबाल कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं मौला हुसैन के जुलूस में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल छोड़ो जुलूस को, आओ हमारे साथ कब्र में मटियाँ डालो। तो उस वक्त इकबाल ने ये मारकतुल आरा शेर का आता, निकल कर खान कहों से अदा कर रस्म शतीरी। इकबाल ने उस मौके पर कहा कि निकल कर खान कहों से अदा कर रस्म शतीरी, ये फकर खान का ही है, फकत अंदू है दिलगिरी। मुसलमान तुझे पता ही नहीं आज कितना बड़ा नुकसान हो गया, आज पैगंबर का घर उजड़ गया, जिसे अल्लाह का नबी अपने सीने पे चलाया करता था वो करबला में पायमाल हो गया। मेरा बारवां इमाम फरमाता है, मेरा सलाम उस दादे पर कि जिसकी लाश पर इतने घोड़े दौड़ाए गए कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गई थी और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ चली गई थी। इतना मजलूम है नवासे रसूल। सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि वाकई करबला के बाद जब मेरा इमाम बाजारों से गुजरता था और देखता था कोई कसाब जानवर को ज़िबह करने लगा है, तो मेरा इमाम उसके हाथ पे हाथ रख के फरमाता, मुझे बताओ इसे ज़िबह तो कर रहे हो, इसे ज़िबह करने से पहले पानी पिलाया है? वो कसाब मेरे इमाम के कदमों को चूम कर कहता, मौला मैं आपकी जद की शरीयत से वाकफ हूँ, आपके जद रसूल खुदा ने फरमाया है कि जानवर को ज़िबा करने की शरायत है, तीन शरायत हैं, मैं वो तीनों पूरी करने के बाद जानवर को ज़िबा करता हूँ। पहली शर्त मुझे याद है, आपके जद ने फरमाया है कि जानवर को कभी प्यासा ज़िबा ना करो, मैं इसे पानी पिलाता हूँ ज़िबा करने से पहले। दूसरी शर्त यह है कि आपकी जद ने फरमाया है कि जानवर को किसी दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना करो, मैं उसे भी पूरा करता हूँ। मौला तीसरी शर्त यह है कि आपके जद ने फरमाया कि जानवर को कभी कुंद आले से ज़िबा ना करो, तेज छुरी के साथ ज़िबा करो। जब उसने कहा ना कि तेज छुरी ज़िबा किया जाए, पानी पिलाकर ज़िबा किया जाए, दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए, उस वक्त मेरा इमाम तड़प कर करबला की तरफ देख कर फरमाते हैं, हाय ओ मेरा प्यासा बाबा हुसैन, जिसे मुसलमानों ने
प्यासा जिबा कर दिया। मुसलमान जानवर जिबा करे तो पानी पिलाता है, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। मुसलमान जानवर जिबा करे तो तेज छुरी जिबा करता है, मेरा बाबा खुद खंजर से मारा गया। मुसलमान दूसरे जानवर के सामने जानवर को जिबा नहीं करता, मेरे बाबा को मेरी बहन सकीना के सामने जिबा किया। अल्लाह आपका गिला कबूल फरमाए। इस गम के सिवा किसी गम में अल्लाह आपको नर बुलाए। बस दो जुमले और सुन ले और मेरी मेहनत मुकम्मल हो गई। अजहर इस्लाम बचाया हुसैन ने, बचपने का आलम। अल्लाह के नबी की गोद में हुसैन भी बैठे हुए हैं, बीबी जैनब भी बैठी हुई है। बचपने का आलम, अल्लाह के नबी ने मौला हुसैन से पूछा, बेटा हुसैन अगर कभी मेरे दीन पर वक्त आ गया तो क्या करोगे? कनाना अल्लाह ना करे आपके दीन पर वक्त आए, अगर वक्त आ गया तो मैं अपना वतन छोड़ दूंगा। मेरा लाल अगर वतन छोड़ने से भी दीन ना बचा, नाना फिर भी गम ना करो, अगर वतन छोड़ने से दीन ना बचा, मेरे जितने बेटे होंगे ना सारे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह का गिरिया कबूल फरमाए। इस गम के सिवा किसी गम में रोना नसीब ना हो। मेरे लाल हुसैन अगर बेटे कुर्बान करने से भी, औलाद कुर्बान करने से मेरा दीन ना बचा, फिर क्या करोगे? नाना फिर भी गम ना कर, मैं अपना सर कलम करवा दूंगा। का बेटा हुसैन अगर तेरा सर कलम होने से भी कुछ कमी रह गई तो वो बच्ची जो पास खड़ी थी ना, बैठी थी, हुसैन खामोश हुए, वो नाना की तरफ देख कर फरमाती है, नाना गम ना कर, अगर भाई के सर कलम करवाने से भी कोई कमी रह गई, ज़ैनब अपनी चादर कुर्बान कर। आज रुकम जजाकल्ला, बड़ा गिरिया, बड़ी मकबूल मजलिस। बस दो जुमले और सुन ले। यही वो मुसायब थे जिन्हें याद करके मेरा इमाम रोता रहता था। वाकई करबला के बाद इमाम एक लफ्ज याद करके रोता है। कोई आके पूछता, मौला करबला में क्या, मौला सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ पेश आई? उस वक्त मेरा इमाम फरमाता, अश्शाम अश्शाम, शाम का वक्त होने वाला है, अश्शाम। मौला शाम में क्या हुआ? का हमारे कैदियों को वहां लाया गया जहां पर कैदियों को बेचा जाता था। एक शामी आगे बढ़ के कहता है, मेरी बहन सकीना की तरफ हाथ बढ़ा के कहता है, मैं इस बच्ची को खरीदना चाहता हूँ। बस तो जुमले और सुनने में आपकी जहमत तमाम करता हूँ। मैं 4 साल बच्ची को खरीदना चाहता हूँ। उस वक्त शहजादी सकीना ने आगे बढ़ के सैयद सज्जाद की टांगों से लिपट के कहा था, भैया सज्जाद मुझे इतना बता दे, क्या पापा ने असीरी और यतीमे के बाद हमारा बिकना भी अल्लाह को लिख दिया था? आज रोकमला, इस गम के सिवा कोई गम आपको ना मिले। का नहीं बहन, गम न कर, कोई तुझे खरीद नहीं सकता। छोड़ दिया सारा मुसायब, बड़ा गिरिया हो गया। लेकिन कयामत का जुमला, यही वो मुसायब थे जिन्हें याद करके मेरा इमाम रोता रहा। 35 साल रोता रहा मेरा इमाम। मेरा 12वां इमाम फरमाता है, कभी खून से खून के आंसर होता है, कभी पानी के आंसर होता है। एक दिन इमाम बैठे हुए थे, शाहबुद्दीन जोहरी आया, उसने आकर कहा, मौला मेरे बेटे की शादियां जरूर तशरीफ लाएं। मौला फरमाते हैं, जिसने अकबर जैसे भाई के सीने में बर्शी का फल देखा हो, क्या उसे शादियां याद रहती हैं? हम शादी में नहीं आएंगे। हाथ जोड़ के कहता, मौला जब तक आप नहीं आएंगे मैं अपने बेटे की शादी की रसूमात मुकम्मल नहीं करूंगा। बस आखिर जुमला और आपकी जमा तमाम करके बड़ा गिरिया किया आपने। कहता, मौला कौन सी शर्त? मौला फरमाते हैं, शादी की रसूमात से पहले मेरे बाबा हुसैन के मजलिस का इंतजाम करो। ये इसी मजलिस को मामूली ना समझा करो, ये सैयद सज्जाद की हसरत है। कहा, मौला मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सुनने वाले आ गए, पढ़ने वाला आ गया। सैयद सज्जाद को मसनद पर बिठा दिया गया। कयामत के जुमले पढ़ने शुरू किए उसने। कहने वाले ने सबसे पहला जुमला कहता, मैं कैसे बताऊं अली अकबर के सीने में बर्ची का फल कैसे लगा? पूछना तो सैयद सज्जाद से पूछो। दूसरा जुमला, मैं कैसे बताऊं कासिम का लाशा कैसे बामाल हुआ? पूछना तो सैयद सज्जाद से पूछो। मैं कैसे बताऊं अस्कर के गले में तीर कैसे लगा? पूछना तो सैयद सज्जाद से पूछो। अदादारिश ने एक ऐसा जुमला कहा, ना खुद बर्दाश्त कर सका, ना सुनने वाले बर्दाश्त कर सके, ना मेरा इमाम बर्दाश्त कर सका। तड़प कर कहता, मैं कैसे बताऊं ज़ैनब के सर से चादर कैसे उतरी? पूछना तो सैयद सज्जाद से पूछो। अदादारो, पढ़ने वाला भी बेहोश हो गया, सुनने वाले भी बेहोश हो गए, मेरा इमाम भी बेहोश हो गया। काफी देर के बाद जब इमाम को होश आया, क्या देखा? इमाम मसरत पे नहीं बैठा, वहां बैठा है जहां मोमिन अपने जूते उतारते हैं। मेरा इमाम जमीन पे बैठा हुआ था। आगे बढ़ के पानी का दबाला, मैंने तो आपके लिए मसरत का एहतमाम किया था, और आप जमीन पे कैसे आ गए? तो सैयद सज्जाद ने कहा, वो तुम्हारी आंखें नहीं देख रही मगर सज्जाद की आंखें देख रही है। पुरसा ले
سيالا من قسم زالا من أيام